बसपा की पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आपको बता दें, पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के ठिकानों पर ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच होगी पूर्व एमएलसी इकबाल की संपत्ति। इकबाल की यूनिवर्सिटी और होटल को भी अटैच करेगी ईडी। ईडी के अलावा सीबीआई, आईबी समेत 14 एजेंसी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इकबाल की खनन, चीनी मिल और एनएचआरएम घोटाले की अहम भूमिका बताई जा रही है। तो पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच होगी पूर्व एमएलसी की सभी संपत्तियां। आपको बता दें, इकबाल की यूनिवर्सिटी और होटल को भी अटैच किया जाएगा ईडी के द्वारा। मीना चौधरी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मीना, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के जो ठिकाने हैं, ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, और ये पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले और बेशकीमती संपत्ति को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से ही यहाँ पर टीम पहुंच चुकी थी। और सबसे पहले आपको बताएं कि जो साउथ सिटी में जो थाना सदर बाजार क्षेत्र में सपन भरतरी, जो हाजी इकबाल के एक जमाने के खनन पार्टनर माने जाते हैं, सबसे पहले वहां पर ईडी ने दस्तक दी और वहां पर सघन जांच चल रही है। और इसके अलावा जो एक ईडी की टीम है, वो थानापुर मिर्जापुर क्षेत्र में हाजी इकबाल के मकान पर, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उनके यहाँ पर सघन जांच कर रही है और जो तमाम दस्तावेज हैं उन चीजों को लेकर अपने अंडर में ले लिया है तमाम दस्तावेजों को। और उसके बाद जो ईडी की जो टीम है, वो खनन के जो तमाम इनके दस्तावेज थे उनको और ग्लोकल यूनिवर्सिटी के जो कागजात थे उनको भी अपने अंडर में ले लिया है। इसके अलावा जो मसूरी में जो होटल है उसके भी कागजात को ईडी ने अपने अंडर में ले लिया है। और आपको बताएं, जो ईडी के पास जो 4 बैग थे, जिसमें आरोप प्रत्यारोप संबंधी जो तमाम कागज उनके पास है, जिन पर ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, और करीब 2-3 घंटे से लगातार जो हाजी इकबाल है उनके साथ पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये पूछताछ और कितनी लंबी चल सकती है मीना, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आखिरकार? क्या आज संपत्तियों को जब्त करने के साथ साथ जो होटल, यूनिवर्सिटी, इन सभी को जब्त करने का आदेश जारी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी इसमें देखिए, एक यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ईडी है वो अपने तरीके से काम करती है। और आपको बताएं कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं लिया गया है, और ये अपने स्तर से जांच कर रही है, क्योंकि जो बेशकीमती इनके पास जो संपत्ति है वो हर तरीके से जो बारीकी से इसकी जो जाँच पड़ताल ईडी कर रही है, और कब तक इसकी जाँच पड़ताल करेगी ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता। जी चलिए ठीक है मीना, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी के अलावा सीबीआई, आईबी की टीम भी लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इकबाल की खनन, चीनी मिल और एनएचआरएम घोटाले की जांच पड़ताल, बसपा की पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कई घंटों से ये पूछताछ चल रही है और आगे भी ये पूछताछ चल सकती है।